नमस्कार मारा वाला विद्यार्थी मित्रों, तमारो हार्दिक स्वागत है। आजे बात करीशुं धोरण 7 अने विषय गुजराती पाठ नंबर 6 भीखू स्वाध्याय अने अभ्यासनुं संपूर्ण सोल्यूशन करीशुं, जे मित्रों तमने परीक्षानी अंदर खूब उपयोगी नीवड़शे। आ जवाबों तमे गुजरातीनी नोटबुक में गृह कार्य तरीके पण लखी शको छो। आपणी चेनलनी अंदर तमाम विषयना स्वाध्याय सोल्यूशन साथे मूकवामां आवे छे, तो मित्रों प्लेलिस्ट में जई अने जोई शको छो। वात करीशुं पाठ नंबर 6 भीखू। गौरीशंकर गोवर्धन राम जोशी, जेमनुं उपनाम धूमकेतु छे, तेमना द्वारा आ पाठ लखायेलो छे। आ उपरांत तेमणे मित्रों तणखा मंडलना 4 भाग उपरांत पोस्ट ऑफिस, भैया दादा, रजपूताणी, एक टूंकी मुसाफरी, जीवनों प्रभात, पृथ्वी ने स्वर्ग, हृदय पलटो, आत्माना आंसू वगैरह प्रख्यात टूंकी वार्ताओं लखी है। सरस मजानो आ संवेदन कथा है, ये तमे भणी गया हशो। मित्रों हवे बात करीशुं अभ्यास प्रश्न नंबर 1। नीचेना प्रश्नों उत्तर माटे आपेला विकल्पमांथी साचो उत्तर शोधीने तेनो क्रम अक्षर प्रश्न सामेना खानानी अंदर लखो। पहलो प्रश्न है कि अहीं माणसोनो ठठारो एटले शू आवशे, तो भीड़ आवशे, एटले के आपणे खानानी अंदर ख लखीशुं। प्रश्न नंबर 2। हूँ खाली जग्या एक ज जातना स्वरो वच्चे थईने पगथी पर चढ़ी गयो, एटले शू थशे, तो एनी अंदर पण ख आवशे, फूटपाथ उपर चढ़ी गयो। त्यारबाद आगळ वात करीशुं प्रश्न नंबर 3। भीखू पाठमां आ छोकरो स्तंभ हसे शब्दनो अर्थ शू है, तो मित्रों स्तंभ एटले आधार थाय छे, तो आनी अंदर पण साचो जवाब आवे छे ख, कुटुंबनो जवाबदार, तो अहीं आपणे ख लखीशुं। प्रश्न नंबर 4। भीखू पाठनी घटना कया शहेरनी छे, तो आनी अंदर पण मित्रों साचो जवाब ख आवे छे, अमदावादनी आ घटना छे। त्यारबाद प्रश्न नंबर 2। नीचेना प्रश्नोना उत्तर एक एक वाक्य में आपो। पहलो प्रश्न है कि लेखक अकस्मात थी बचवा क्या चलता था, तो जवाब आवशे कि लेखक अकस्मात थी बचवा फूटपाथ पर चालता था। प्रश्न नंबर 2। छोकरानी मां तरफ सौ फरे शा माटे ठपका भरी नजर नाखी, तो छोकरानो ध्यान न राखवा बदल छोकरानी मां तरफ सौ फरे ठपका भरी नजर नाखी। प्रश्न नंबर 3। लेखक स्त्री ने 3 पैसा आपीने शा माटे दूर जता रहा, तो लेखके 3 पैसा आपीने स्त्री ने आपता पैसाना खखड़ाटथी जागेलो छोकरो रखेन लेखक ने हैरान करे, ए विचारथी लेखक दूर जता रहा। प्रश्न नंबर 4। छोकरा एना भीखारी भाई ने शा माटे वळगी पड्या, तो जवाब आवशे मित्रों छोकरा भूख्या था, तेथी भीखारी भाई कहीं लाव्यो हशे एम धारीने तेने वळगी पड्या। प्रश्न नंबर 3। नीचेना प्रश्नोना उत्तर आपो। पहलो प्रश्न है कि लेखक कोनी वर्तुळ बारीकाई थी जोई रह्या हता अने शा माटे, तो जवाब आवशे लेखक एक 10-12 वर्षना अत्यंत कंगाल लागता छोकरानी वर्तुळने बारीकाई थी जोई रह्या हता, कारण के ते मीठाईनी दुकान आगळना एक खूणामां ऊभो हतो। ते अत्यंत तृष्णाथी अनिमेष दृष्टिए मीठाईना थाळ तरफ, खास करीने जलेबीना चकचकीत गूंचळा तरफ जोई रह्यो हतो। नंबर 2। भीखू दाळिया खाता शा माटे अटकी गयो, तो जवाब आवशे कि भीखूए 6 पैसाना दाळिया जोखाव्या पछी ते नीचे धूळमां चीथरू पाथरी तेमां दाळिया बांधवा लाग्यो। तेणे तेमांथी एक मोटी भरी दाळिया लीधा अने ते दाळिया मोंमां मूकवा जतो हतो, त्यां तेना भूख्या भांडुओ एटले के भाईओ याद आव्या, तेथी ते दाळिया खाता अटकी गयो। प्रश्न नंबर 3। लेखके होटल अने सिनेमाने शा माटे याद कर्या छे, तो मित्रों जवाब आवशे कि लेखके 2 कलाक पहला ज कलदार राणी छापना रूपिया साथे भद्रमांथी शहर तरफ मुसाफरी करी हती, तेमांथी 9 आना सिनेमामां अने 6.25 आना होટલमां ज खर्चाई गया हता। हवे लेखक पासे मात्र 3 पैसा ज बाकी रह्या हता, ते तेमणे भीखारणबाईने आपी दीधा। भीखूए पोते भूख्या रहीने पोताना भूख्या भांडुओने दाळिया खावा आप्या हता। आ जोईने लेखकने थयुं के सिनेमा अने होટલना विलासी खर्चा ओछा करवामां आवे तो आवा गरीबोने पोषी शकाय, आम लेखके होटल अने सिनेमाने याद कर्या। प्रश्न नंबर 4। भीखूए लेखक सामे लुच्चाईमां मो केम मलकाव्यो, तो जवाब आवशे कि भीखूए पोताना भांडू एटले के भाईओ माटे जलेबी जती करी, दाळिया न खाधा, लेखके आ हकीकत जोई, લેખકે એનું નામ પૂછ્યું, પોતાની વાત લેખક કળી ગયા છે એવું જાણીને ભીખુએ લૂંચાઈમાં મોં મલકાવ્યો। प्रश्न नंबर 5 ભીખુનો ભાંડરડા એટલે કે ભાઈ માટેના પ્રેમ લેખકને શા માટે ગમ્યો? તો જવાબ લખીશું મિત્રો, ભીખુ ખરીદેલા દાળિયા ચીથરામાં બાંધી રહ્યો હતો ત્યારે તેણે તેમાંથી દાળિયાની એક મુઠ્ઠી ભરી પણ દાળિયા ખાધા નહીં। તે ભૂખનું દુઃખ ગળી જઈને તેની મા પાસે પહોંચ્યું। તે મા આગળ જૂઠું બોલ્યો કે તેને એક શેઠે જલેબી ખવડાવી છે। તેથી લેખકને ભીખના ભાંડરડા માટેનો પ્રેમ ગમ્યો। ત્યારબાદ આગળ વાત કરીશું મિત્રો સ્વાધ્યાય। સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન નંબર 1, નીચેના પ્રશ્નોના उत्तर આપો। पहलो प्रश्न है लेखक चालता चालता क्या अटकी गया, त्या तेमणे शुं जोयुं? तो जवाब आवशे लेखक फूटपाथ पर चालता था त्यारे दर्दथी बोलायेला शब्दों संभळाया। एक कंगाल पर इतनी रहम करो। आथी लेखक चालता चालता अटकी गया। त्या तेमणे दरवाजानी सांकड़ी कमानमां एक अत्यंत कंगाल स्त्रीने 3-4 बाळको साथे जोई। नंबर 2, ભીખુએ જલેબી ખરીદીને શા માટે ખાધી નહીં? તો જવાબ આવશે કે જલેબીની સુગંધથી ભીખુનું મોં પાણી પાણી થઈ ગયું, છતાં તેણે જલેબી ખરીદી નહીં। ભીખુને તેના ભૂખ્યા ભાંડુઓ યાદ આવ્યા। તેણે જલેબીના બદલે 6 પૈસાના દાળિયા ખરીદ્યા, જેથી બધા ભાંડુઓને થોડા થોડા દાળિયા ખાવા મળે। નંબર 3, ભીખુ એની મા પાસે શા માટે ખોટું બોલ્યો? તો ભીખુની મા एना भांडू भूख्या था, एनी पासे एटला दाळिया न हता के जेथी घरना बाळकोनी भूख संतोषी शकाय, माटे भीखुए पोते दाळिया खाधा नहीं। आथी ते मां पासे खोटुं बोल्यो के पोते धराईने खाधुं छे। प्रश्न नंबर 4, कुटुंबनो स्तंभ कोने कहेवाय? तो जवाब आवशे घरनो स्तंभ घर माटे आधारनुं काम करे छे। एम जे व्यक्ति पण समग्र कुटुंबनो आधार होय तेने कुटुंबनो स्तंभ कहेवाय। प्रश्न नंबर 5, भीखू भूखनो दुःख गळी गयो एवं लेखके केम कह्युं? तो जवाब आवशे भीखू पोते पण भूख्यो हतो। भूखनो ए दुःख दूर करवा एने 6 पैसाना दाळिया खरीद्या। दाळिया मोंमां नाखवा जता एने पोताना भूख्या भाईओ याद आव्या। ते दाळिया खाई न शक्यो। लेखक तेथी कहे छे के भीखू भूखनो दुःख गळी गयो। प्रश्न नंबर 6, आ वार्तानुं शीर्षक तमे शुं आपो, शा माटे? तो मित्रों आ वार्तानुं शीर्षक तमे जाते पण आपी शको छो, अंतरना अमी पण आपी शको छो, अथवा तो आ वार्तानुं शीर्षक भीखू ज आपीश, कारण के आ वार्तानुं मुख्य पात्र भीखू पोते दुःख वेठे छे पण मां अने भाई भांडूनो विशेष ख्याल राखे छे। पोते भीख मागीने लावे अने पोते न खाए पण भाई भांडूने खवडावे छे, जे भीखुनुं वर्तन सारू देखाय छे। प्रश्न नंबर 2, नीचेना वाक्य कोण बोले छे ते कहो। पहेलुं छे खावानुं तो भाई लावे त्यारे, तो आ वाक्य छोकरानी मां बोले छे। बीजुं एक शेठीए मने जलेबी खवडावी, तो आ वाक्य भीखू बोले छे। मां कंई खावानुं छे, तो आ वाक्य ઊંઘમાંથી જાગેલું छोकरू बोले छे। नंबर 4, ए आँख पण नथी के शुं, आ वाक्य पारसी बानुनो पटावाळो बोले छे। प्रश्न नंबर 3, नीचेना दरेक रूढ़िप्रयोगनो अर्थ आपी वाक्य प्रयोग करो। पहेलुं छे उगारी लेवुं तो बचावी लेवुं, माए बाळकोने अकस्मातमांथी बचावी लीधा। नंबर 2, वात कळाई जवी तो वात समजाई जवी। पोतानी वात कळाई गई छे ए जाणी ते शर्मिदो थई गयो। नंबर 3, राड फाटी जवी तो भयथी चीस पड़ी जवी। ताबा परथी मीनानो पग लपसी जता तेनी राड फाटी गई। नंबर 4, वदन करमाई जवुं तो निराश थई जवुं। मामाना घरे जवा न मळता मारुं वदन करमाई गयुं। प्रश्न नंबर 4, सूचना मुजब करो। तो पहली सूचना है कि आ पाठमां वदन शब्द है, आ शब्दमांना अक्षरनो उपयोग करी बीजा शब्दों बनावो। तो आनी अंदर आपणे मित्रों वद अने वन पण बनावी शकीए छीए। आ उपरांत तमे जे छे मित्रों दन, दव, नद अने नव पण बनावी शको छो। आ उपरांत बीजा वधु शब्दों बनता होय तो बनावो। तो आनी अंदर दन, दव, नद अने नव बने छे। मित्रों आ शब्दों अर्थ शब्दकोशमांथी मेळवो तो दन एटले दिवस, दव एटले दावानळ, नद एटले मोटी नदी, नव एटले संख्या, वद एटले अंधारियु अथवा तो कृष्ण पक्ष अने वन एटले जंगल अथवा रान। प्रश्न नंबर 4 आ शब्दों उपयोग करीने वाक्य बनावो। जो आनी अंदर शब्द उपयोग लीधो छे दन, तो आज दिन सुधी अभ्यास में ध्यान नहीं आप्युं। जंगल में दव एटले दावानळ लाग्यो छे, नद एटले मोटी नदी ना पाणी ऊंडा होय छे, ते बधा नव माणसो छे। ते मंदिरनुं मुहूर्त वद एटले के कृष्ण पक्ष में नथी। हवे गुजरात में वन रह्या नथी अथवा नथी रह्या। शब्द शतरंज आपेला कोष्टकनी अंदर आडा ऊभा अने त्रासा खानामांथी 9 तेजस्वी अने प्रेरक बाळकोना नाम शोधो अने दरेकना 3-4 वाक्यनी अंदर परिचय आपो। तो अहीं मित्रों तमे जोई शको छो के जो अहीं ध्रुव आपेलुं छे, त्यारबाद अहीं जे छे ए अभिमन्यु, त्यार पछी अहीं जोशो तो कुश, आ उपरांत अहीं थशे आरुणी। आवा जे शब्द छे अहीं छे लव। आ प्रमाणे आपणे जे छे ए मित्रों शब्द शोधवाना छे। जो अहीं अपमन्यु पण थाय छे। त्यार पछी आवी रीते त्रासू करीए तो अहीं नरेन्द्र, आ उपरांत अहीं नचिकेता जे छे ए नचिकेता पण थाय छे। तो मित्रों आ प्रमाणे आपणे अहीं नाम शोध्या छे। प्रथम अहीं अज पण छे। तो हवे आपणे एमना जे छे ए 3-4 वाक्यनी अंदर परिचय आपीशुं। प्रथम जोईशुं अज। तो सूर्यवंशी राजा रघुनो पुत्र अज हतो। इंदुमती नामनी राजकुमारी साथे तेना लग्न थया हता। नंबर 2 अभिमन्यु, ते अर्जुन अने सुभद्रानो पुत्र हतो। कौरवोए गोठवेला चक्रव्यूहमां ते फसाई गयो अने तेनो वध थयो। नंबर 3 आरुणी, तेने उदालकनो उपनाम मळ्युं हतुं। तेने गुरुना खेतरमां पाणीनो पाळो तूटी जता ते पोते सूई गयो ने खेतर बचाव्यो हतो। नंबर 4 कुश, भगवान श्री रामनो पुत्र हतो। तेनो जन्म वाल्मीकि ऋषिना आश्रमनी अंदर थयो हतो अने तेणे कुशावती नगरीनी स्थापना करी हती। नंबर 5 ध्रुव, ते उदनपाद नामना राजानो अने राणी सुनीतिनो पुत्र हतो। तेणे जंगलमां जई घोर तप करी भगवान विष्णुने प्रसन्न कर्या हता। नरेन्द्र, तो स्वामी विवेकानंदना बाळपणनुं नाम नरेन्द्र हतुं। दरिद्रोनी सेवा ए ज एमना जीवननो मंत्र हतो। नंबर 7 नचिकेता, उदालक ऋषिनो ए पुत्र हतो। नचिकेताने यमराज तरफथी 3 वरदान मळेला हता। नंबर 8 मित्रों कुशनो भाई लव अने कुश बने श्रीराम भगवानना पुत्रो हता। तेनो जन्म वाल्मीकि ऋषिना आश्रममां थयो हतो अने तेणे रामनी सेनाने पडकारी हती। नंबर 9 उपमन्यु, तो दैम्य ऋषिनो शिष्य हतो। तेनी आंखमां आकड़ानो दूध पड़वाथी ते अंध थयो हतो, पण अश्विनी कुमारोनी कृपाथी ते फरीथी देखतो थयो हतो। त्यारबाद मित्रों ए संपूर्ण सोल्यूशन पूर्ण थाय छे। त्यार पछीनो आपणो पाठ नंबर 7 जीवन पाथे आत्मकथा खंडनो स्वाध्याय अने अभ्यास सोल्यूशन जोवा माटे क्लिक करी शको छो।